हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैन चाउमीन। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। ये विदाउट ऑनियन गार्लिक हम तैयार कर रहे हैं, साथ ही हम घर पे रेड चिली सॉस भी तैयार करेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम नूडल्स लिए हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोने में पानी रखा है। इसमें मैं सबसे पहले आधा चम्मच नमक डाल दूंगी और अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। फ्रेंड्स, सारे नूडल्स मैंने पानी में डाल दिए हैं। पानी बॉईल भी होने लग गया है। हमें तब तक नूडल्स को बॉईल करना है जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाएं और टूटने ना लग जाएं। फ्रेंड्स, हम आज जैन चाउमीन बना रहे हैं। हमने इसमें ऑनियन गार्लिक यूज में नहीं लिया है, इसलिए हम सॉस भी घर पे ही तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच टमाटो केचप लिया है जो कि विदाउट ऑनियन गार्लिक है। इसमें इसको हम रेड चिली तैयार कर लेते हैं। चिली सॉस तैयार करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा विदाउट ऑनियन गार्लिक रेड चिली सॉस तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, नूडल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। आइए हम एक नूडल को तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट भी रहा है। अब हम इसको अलग बर्तन में छान लेंगे, छलनी लगा देंगे ताकि इसका पानी एकदम अलग निकल सके। फ्रेंड्स, मैंने नूडल्स का पानी निकाल दिया है। देखिए, मैं छलनी में निकाल लिए हैं ये। आइए अब हम इसको किसी प्लेट में ठंडा कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नूडल्स को प्लेट में निकाल दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। आइए फ्रेंड्स, अब हम नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जैन चाउमीन बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जियां ली हैं। 3 कलर्स कैप्सिकम लंबे लंबे साइज में पतली पतली काट ली हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लंबे साइज में बिल्कुल बारीक पतली पतली काट ली है। मैंने 1 कप पत्ता गोभी बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। देखिए बिल्कुल बारीक कटी हुई है। 2 हरी मिर्च मैंने लंबे साइज में काट ली हैं। थोड़ी सी हरा धनिया पत्ती मैंने धोकर के कट कर ली है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, गर्म होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। हम जैन चाउमीन बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें लहसुन प्याज यूज में नहीं लिया है। जो मैंने बारीक पत्ता गोभी कट करी थी इसको मैं सबसे पहले ऑयल में डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमने रेड चिली सॉस तैयार किया था, रेड चिली सॉस डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी और मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हरे मिर्च डाल देंगे और जो हमने लंबे साइज में सब्जियां कट करी हैं इनको भी हम इसमें डाल देंगे। पत्ता गोभी, 3 कलर्स कैप्सिकम, फ्रेंड्स हमें इन सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्रंची क्रंची रखना है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
हमें इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें नूडल्स मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम नूडल्स को मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, सोया सॉस और हरा धनिया पत्ती बहुत अच्छे से नूडल्स में मिक्स हो गए हैं। हमारा जैन चाउमीन बिल्कुल रेडी है, आइए सर्व करते हैं। वेजिटेबल नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, हमने सर्व भी कर दिया है। अब आप जब चाहें तब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।